Good morning, friends. Today I am going to start in a plus 2 physics chapter number 2. But in the starting, I told you in the notes also I have sent that unit 1 we have divided in two parts. Number 1 is electric charge and electric field. Okay, electric charge and electric field. In this electric field, electric charge, we have studied about Coulomb's law, about a Gauss law. We have calculated electric field densities of a dipole on axial equatorial lines with the Gauss law due to a state conductor, due to a shell, due to a sphere, due to sheets, due to parallel sheets, like that we have calculated. Now we are going to move in a part 2, chapter 2, electrostatic potential and capacitance. As the name is telling us, it is divided in two parts. Electrostatic potential, first one is, and second is capacitance. Very easy this one is. Lengthy, no, it's obvious that they are lengthy topics. What very easy, okay. So I am taking first one is electrostatic potential for you, okay. Means this lecture is just for the introduction. Before electrostatic potential, I want to explain some basic things. Just imagine you have one container, okay, and you are pouring, in fact, some water in it. मतलब तो सीधे इस कुछ पानी पा देते हैं. पानी पा के क्या होता है? इधर height बढ़ जाती है. ठीक है? अगर सी यही water किसी और container में दे इतना ही, तो naturally height ज़्यादा बढ़ती है. ठीक है? इन्हें कल समझा रहे? Container अलग-अलग है. अलग अलग साइज का शेप का है, वाटर की क्वांटिटी सेम, बट हाइट अलग अलग बढ़ी है. ओके, हूँ समझो कि अगर असी इसी तरह दो ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, असी इन ऑब्जेक्ट को चार्ज दे सेम चार्ज, ठीक है. चलो मैं डायग्राम ले रहा था, हाँ ठीक है, इसको भी चार्ज देता, इसको भी चार्ज देता, बराबर चार्ज देता, जिम्मे की वाटर देता, ठीक है, चार्ज देता, चार्ज देने इतने तो पानी देने ते हाइट बढ़ी है, इतने की बढ़ेगा, इतने बढ़ेगी पोटेंशियल, इतने बढ़ेगी पोटेंशियल. ठीक है, मान लो ये दोनों ही कंटेनर इक्वल शेप साइज दे, इक्को मटेरियल दे बने ने, तो अगर असी कहिए कि पहले वाले नु असी घट चार्ज दिता है, दूजे वाले नु असी ज्यादा, तो की होएगा? अगर ए ए बी है, इदे कोल पोटेंशियल ए आ गई, इदे कोल बी आ गई, तो तुसी दिख रहे हो कि ए नु घट चार्ज दिती पोटेंशियल कट होगी नेचुरली. हां, दो कंटेनर तुसी सेम शेप पे ले लो, हां, एक नु तुसी कट पानी दो, एक नु ज्यादा दो, एक नु कट पानी दोगे उदी हाइट कट बढ़ेगी, उसी तरह जिनु कट चार्ज दोगे उदी पोटेंशियल कट बढ़ेगी. सिंपल, तो चार्ज देने की होंगे, पहली चीज समझ आ गई सानू, चार्ज देने पोटेंशियल बढ़ती है. ओके, हूँ क्या बता है, पानी का साढ़े दिमाग पिक्चर बन जाती है, है ना. देखो जिमें एक पहाड़ है, एक पहाड़ के एक पॉइंट उपर है, एक नीचे है ना, तुसी पोटेंशियल एनर्जीज पढ़िया, प्लस वन पढ़ी, तुसी नाइन पढ़ी, नेचुरली ये हाई पोटेंशियल है,
लो पोटेंशियल अगर असी पानी पोअर कर दिए मतलब एक गिलास पानी का इतने उबेल दिए तो यह पानी उपर नहीं जा सकता बट इतने करके तो नीचे में जाऊंगा अपने आप मान लो ए पॉइंट है ए बी पॉइंट है ए बी पानी भेजने लिए कोई काम नहीं करना पर बी ए भेजने काम करना पैना क्यों ये लो पोटेंशियल लो ते हायर में कुल्लू का मिलान होगा। उसी तरह होता है कि अगर साढ़े कोई दो बॉडीज हैं उन्होंने ऊपर पोटेंशियल्स हैं इस तरह तो हायर टू लोअर अपने आप चार्ज चला जाएगा असि चार्ज दिता है ये बहुत ज्यादा है ये कांट है तो हायर टू लोअर अपने आप लोअर टू हायर वास्ते तुम काम करना पड़ना है ठीक है वो नहीं जा सकता वो काम करना हूँ समझने की कोशिश करते हैं डीप जाके कि ये पोटेंशियल्स क्या बना साढ़े को दो डेफिनेशंस ने पहले असि चार डेफिनेशंस करनी है बेसिकली आज पहली डेफिनेशन में ले लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी है और डिफरेंस है इनका वर्ड है ठीक है हूं मैं एक एग्जांपल देने लग गया इन समझाने लगी कहोगे सर हमेशा इट के पिछे ही पै जाते हैं फरीक के पिछे पै जाते हैं मान लो ये को एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग पे एक ब्रिक एक इतने रखी है एक इतने रखी है एक इधर रखी है ठीक है ए बी सी ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितनी होगी तुम कहते जीरो इतने कितनी होगी कुछ हायर हो जाएगी क्योंकि काम करना पाया और इस इट न ऊपर ले आने जो काम करना पाया वो इधर पोटेंशियल एनर्जी के रूप च आ गई और अगर इस इट में ऊपर ले गए होर काम करना पाया और इधर पोटेंशियल एनर्जी होर ज्यादा आ गई ठीक है बेटा इन्नी गल समझ आ रही है घट पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। हूँ अगर मैं गल करा कि इतने असी इधर ते ए ते बी नू लेके गए हैं टू जोन्स काम करना पे इधर टू जूल ही एनर्जी आ गई पोटेंशियल्स। अगर असी बी ते सी नू लेके गए हैं और फोर जूल होर करना पे है तो टू प्लस फोर सिक्स जूल मतलब अगर असी सीधा ए करके लेके जाते हैं तो सिक्स जूल काम करना पे ए टू जूल्स और सिक्स जूल्स क्या है इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी बी ते सी नू ले जाने कि काम करना पैदा है फोर जूल्स समझा रहा है ये डिफरेंस है जितना पोटेंशियल का डिफरेंस है सिक्स जूल टू जूल उतना ही काम करना पै रहा है इन्होंने दोनों पॉइंट ठीक है। तो मैं पहली डेफिनेशन लेना चाहता बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ओके जिस तरह इट वाला केस है उसी तरह एक केस है ओके समझो कि एक साढ़े को फील्ड है मान लो ए सोरस चार्ज है इधर नाल फील्ड है सारे तरफ है ना फील्ड होती है तुम्हें पता ही है और तुहाडे कोल एक पॉइंट है इधर ए इधर है एक पॉइंट बी ठीक इन्हां दे विच तुसी डी आर ए डिस्टेंस है इत्थे तुसी एक चार्ज ए ते बी लेके आ ए ते बी लेके आना ए ते बी तो लेके आओगे तो जिन्ना तुम्हें तो काम करना पैना है वो असी नाइन्थ क्लास के फार्मूले नाल कर लेंगे इस क्यों चार्ज की वजह नाल इत्थे एक फील्ड है ना सब तरफ एक फील्ड है और सानू एक फोर्स लाना पैनी असी इस तरफ में फोर्स लावांगे और ये इधर को चली जाएगी जिस तरफ फोर्स लाई उसी तरफ चार्ज चला गया तो वर्क किमें करते हैं फोर्स जो सी लगाई कितनी डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन है पॉजिटिव इसलिए ए ते बी तो असी इनू असी इंटीग्रेशन ए टू बी करके लिख सकते हैं ये तो प्लस वन च करवाया गया ए ते बी काम करना है
एफ एक्सटर्नल डी आर करके लिखे जा सकता है। ठीक है, हुण देखो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस तरफ है तो फोर्स भी इस तरफ लगी होनी है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ में हो रही है। अगर असी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करना है कि जो बाहर वाली फोर्स काम कर रही है एमए करना है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का करना है तो माइनस आए लग जाना, बस फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू डी आर। माइनस क्यों लग गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है 180 डिग्री का एंगल। ठीक, चलो ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकली आपको कैलकुलेशन दे विच यूज करना है, डेफिनेशंस को ज्यादा ज्यादा यूज नहीं है। फिलहाल असी कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होना है ना, इतने ये दो पॉइंट्स ने ए एंड बी इधर नाल कोरिलेट कर दिया। ठीक है, चलो मैं हूं इनू ए और इनू बी बोल लेता फिलहाल। ठीक है बेटा, ए बी, ठीक है, तो की होया इस पोटेंशियल ते ए पोटेंशियल माइनस की इन्हों का डिफरेंस आ गया सेम। यूबी इतने की पोटेंशियल एक की होंगी है पोटेंशियल मैं तुम्हें दसूंगा अगली डेफिनेशन दे विच, माइनस यूए इस जगह की पोटेंशियल माइनस इस जगह की पोटेंशियल का माइनस किया सब वर्क आ गया भी ए ते भी कितना करना पड़ा है ना, इतने की पोटेंशियल इतने की पोटेंशियल माइनस किया वर्क आ गया फोर्स जरूर करना पैना उ आ गया। ठीक है, डेफिनेशन भी यही कहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, करते करते जितना सानू काम करना पड़ना है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स कर दी है इन मूविंग चार्जेस विदाउट एक्सीलेशन ए टेस्ट चार्जेस ए टू बी, एक टेस्ट चार्ज नू ए ते बी ले जाण नू जितना मिनिमम काम करना पड़ता है ओ उना पॉइंट्स दी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो क्यों चार्ज नू ए ते बी लेके आए, जिन्ना काम करना पिया जो असी इत्थे कर लिया वो इना दुनी दी पोटेंशियल एनर्जी दा डिफरेंस है। तो दो तरीके हो गए, एक दा फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट नाल कर सकते हैं, एक यू बी माइनस यू ए पोटेंशियल दी एनर्जी दा डिफरेंस करके भी इनू कर सकते हैं। ठीक है भाई, हुण असी अगे चले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये यू ए और यू बी में बोलिया भी ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट की एनर्जी एक ही में। ठीक है, हुण तुसीं एक चीज समझो कि एक इट इस पॉइंट ए ते रखी है, इहदे कोल टू जूल एनर्जी है, इहदा मतलब यह है ग्राउंड ते इहनूं उपर ग्राउंड जिथे पोटेंशियल जीरो सी उत्थे ते चक के इन्हों इस पॉइंट च लाने च टू जूल काम करना पे होना है। क्लियर, समझा कि नहीं गल? हुण असी इह चीज कह रहे हैं कि एक सोर्स चार्ज इत्थे कोई ए पॉइंट है, इहदी चार्ज दे नाल फील्ड है सब तरफ। ठीक है, इस ए पॉइंट अगर असी कोई चार्ज क्यों रखिया है, नैचुरली ए वाला चार्ज उन्हों धक्का दे रहा पुश कर रहा, इसनों इस जगह पर रखने लिए कुछ काम करना पड़ेगा, वो इहदी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज की वजह नाल पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रही है। जिस तरह असी इट नू जीरो पोटेंशियल के उपर नू लेके आए उसी तरह इस चार्ज की वजह नाल बहुत दूर इनफिनिटी ते कोई फील्ड नहीं होती बेटा, है ना, इतने कोई चार्ज रखना है इहदा कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो इतने पोटेंशियल एनर्जी की होती है जीरो होती है। इस जगह पे इनफिनिटी पे अगर असी इस चार्ज नू ए पॉइंट नू लेके आए, है ना, जिवें असी बिल्डिंग दे ग्राउंड दे उपर नू लेके आए, है ना, जीरो पोटेंशियल पे उपर, उसी तरह जीरो पोटेंशियल पे इस पॉइंट ते लेके आए, जिन्ना काम करना पया वो इस पॉइंट ए दी पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपल वही तरीका है, जस्ट इत्थे क्या है ग्राउंड ते लेके उपर नू आए हैं और इतने इनफिनिटी, समझा रहे रिलेशन समझा रहे, इनफिनिटी क्यों लेके आए ने कि इतने पोटेंशियल जीरो होती है, जिमें जिमें तुम दूर जाओगे पोटेंशियल घटती जाती है ना, क्योंकि इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट घटता जाता है और इतने पोटेंशियल जीरो होगी। तो डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इतने कोई चार्ज रखे वो एनर्जी किन्नी है, ऑफ एनी चार्ज क्यों एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहर वाली जो फोर्स काम करेगी
टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन सी वर्ड ता ऐड कर देना, बड़ा धक्का नहीं देना है, मिनिमम वर्क करना है, घटते घट किन्ना काम करना। सो इनफिनिटी ते असी इस पॉइंट नू लेके आए, ठीक है। हुण देखो इनफिनिटी ते जब तुसी एक चार्ज नू ए नू लेके आओगे तो नैचुरली डिस्टेंस घट है, घट काम करना पैना। बी नू लेके आओगे ज्यादा काम करना पैना, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। ए इस तरह दो तरीके ने समझण दे। देखो इस पॉजिटिव चार्ज दी ते फील्ड है ना, फील्ड दी वजह नाल इत्थे अगर असीं कोई चार्ज रखीए तां उहनूं इत्थे रखण नूं ज्यादा काम करना पैणा, इह ज्यादा धक्का दे रिहा, इत्थे घट करना पैणा, ठीक है। इह वी चीज समझ आ रही है। तो बेटा अगर असीं डेफिनेशन दी गल करिए मैथमेटिकल फॉर्म दी डेफिनेशन दे अनुसार कि वर्क इनफिनिटी टू ए नूं लेके आणा है तां किवें कीता, ए इनफिनिटी, इनफिनिटी इनिशियल पॉइंट, ए फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट की एनर्जी माइनस कर देंगे, ए जीरो ही है तो इनू बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। समझो अगर असी ए बी पॉइंट ले लिखनी हो गए तो असी लिखांगे फाइनल एंड इनिशियल, ठीक है, समझ रहे हैं। असी इनफिनिटी टू वी पॉइंट लेके आ रहे हैं बाय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल एनर्जी जीरो। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। सो इनफिनिटी टू वी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, द फाइनल पे इनिशियल माइनस होगी, ठीक है। ए डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस का मतलब की होया दो पॉइंट्स के बीच है, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब की है एक पॉइंट इनफिनिटी है। समझा गया। हुण देखो असी ये डेफिनेशंस दोनों ही रिपीट करनी है एक तरह से यूनिट चार्ज, जिवें हुण पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक, और यही डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एनर्जी वर्ड हटाता, ए वर्ड जो है ये इतों हटाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सेम डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, इतने देखो अगर असी इनफिनिटी ते ए पॉइंट नूं यूनिट चार्ज लेके, ठीक है, क्यों चार्ज नहीं यूनिट चार्ज, तो जिन्ना काम करना पै रहा वो इस पॉइंट की पोटेंशियल है। सिंपल डेफिनेशन देखो ऑफ एन चार्ज, इतने चार्ज नहीं आएगा, फिर दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, इतने क्या आ गया यूनिट चार्ज, फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। सिंपल मतलब अगर इनफिनिटी ते तुसी ए पॉइंट नो क्यों चार्ज लेके आंदे हो तो यूनिट चार्ज ते क्या हो गया डिवाइड हो गया यू ए यू इनफिनिटी डिवाइड बाय क्यू, अलग कर लो यू ए ओवर क्यू यू इनफिनिटी ओवर क्यू, इसनो वी ए बोलते हैं, इसनो वी इनफिनिटी बोलते हैं, ए जीरो है फिर और ए बी ए। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जीज नो यू अल्फाबेट नाल लिखे जाते हैं और कैपिटल यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नो वी अल्फाबेट लिखे जाते हैं, राइट। अगर असी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट ए कढ़नी हो तो असं यूनिट चार्ज नहीं कटा जो उपर सारी गल्ला लिखिया ने उन्होंने क्यों नाल डिवाइड कर, ए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए यूनिट चार्ज ने रेशियो निकाल ली तो ए पोटेंशियल एट ए बन गई। समझा रहे बेटा, एक बार फिर से देखते हैं, डिवाइड बाय क्यों कर लिया, इसको डिवाइड बाय क्यों कर लिया, ए वर्क फॉर यूनिट चार्ज नु लेके आने वाला बन गया, ए पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट चार्ज बन गया, है ना, और ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए बन गई, ठीक। हुण आ गई डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी बर्न करता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस
between two points B and A is the amount of work done to bring external charge without acceleration, a test charge की जगह a unit charge हो गया, ठीक? फिर वही definition दे विच तुसी समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा वी बोल सकते हैं, देखो है ना, फिलहाल देखो असी ए ते वी नो यूनिट चार्ज लग गया डिवाइड बाय क्या करता था वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज हो गया यू वी यू ए डिवाइड बाय क्या हो गया यूनिट चार्ज नहीं हो गया अलग अलग कर लो यू वी ओवर क्या यू ए ओवर क्या ए जो है इसको वी क्योंकि अब यूनिट चार्ज नहीं एनर्जी बन गई और ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए जिन्होंने डेल्टा वी बोल रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन देखो क्या मैं बन रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विदाउट एक्सीलरेशन ठीक ये थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ठीक है मैं एक बार फटाफट रिपीट करूंगा ये चारों डेफिनेशंस तुम फिर जो खिचड़ी बन रही है दिमाग में जो सारी साफ हो जाएगी देखो सबसे पहले डेफिनेशन करांगे यू डी फिर करांगे डेल्टा यू डी फिर करांगे वी डी फिर करांगे डेल्टा ठीक है मान लो असी पोटेंशियल एट पॉइंट ए करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए मतलब असी वर्क करना है पॉइंट चार्ज इनफिनिटी टू ए च लेके आ ठीक है ए पॉइंट च करनी है तो इनफिनिटी ते ए नु लेके आ तो यू ए माइनस यू इनफिनिटी ए जीरो ही होती है इस तरह इसको लिखा जा सकता अगर असी बी पॉइंट दी करनी है इनफिनिटी टू वी लिखना है यू वी माइनस यू इनफिनिटी हम समझ आ रहा है ए जीरो ही है हुण आ गया डेल्टा यू जिन्हों असी ए ते वी चार ले जाण नूं कह रहे हैं ये असी लिख सकते हैं कि यू बी माइनस यू ए डेल्टा यू ठीक बी बी इथों ही आई है जो वर्क इनफिनिटी टू ए नूं कीता है ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਯੂ ਠੀਕ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੇਲਟਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀ ਦੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਡੇਲਟਾ ਬੀ ਡੇਲਟਾ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਏ ਟੂ ਵੀ ਫੋਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਜੋ ਏ ਟੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀ ਬੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਲਈ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਲਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ